बोलने वाले तोते लालीलू के लिए कुछ अच्छी खबर लाए हैं। प्रिंसेस जैस्मिन माँ बनने वाली है। आगरबा का पूरा शहर उसे बधाई दे रहा है। ये डॉल बहुत जल्द प्रिंसेस बनेगी। वो अपने आउटफिट के लिए पहले ही फैब्रिक ले आई है। पैंट की हर एक लेग्स को सिले, इसे सही आकार दें, एक ओपन शोल्डर टॉप लगाएं, लुक को राइनस्टोन से सजाएं, गर्दन को गोल्डन रिबन नेकलेस से सजाएं। बेस्ट स्टाइलिस्ट जैस्मिन के बालों के लिए सजावट लेकर आए। हेडबैंड को बीच से ब्लू सफायर से सजाएं। ऐसे जूतों के जोड़ों में तुम पूरे डिजर्ट में जा सकती हो। जैस्मिन बहुत सुंदर है। बहुत सारे लड़के प्रिंसेस की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैस्मिन सिर्फ अलादीन को चाहती है। एक क्लीनिंग क्लॉथ को आधा फोल्ड करें, एक टुकड़ा काटें और किनारों को सिलें, फ्लैप छोड़ें। बैक की लंबी शोल्डर स्ट्रैप होगी। प्रिंसेस जब बाजार जाती है तो उसे भी अपने बैग पर नजर रखनी होती है। जैस्मिन कुछ फल खरीद रही है, अंगूर, तरबूज, पीचेस, बेरीज और बहुत सारी सब्जियाँ। बाजार से खाली हाथ लौटना नामुमकिन होता है। तुम ऐसे बिना लिस्ट के बाजार नहीं जा सकते, खासकर तब जब वहाँ बहुत सारे फैब्रिक्स और कीमती मोती हों। हे सुंदर लड़की, क्या तुम कुछ फल खरीदना चाहती हो? मेरे पास शहर के बेस्ट फल हैं। नहीं, मेरे पास शहर के बेस्ट फल हैं। मैं तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट दे सकती हूँ। जैस्मिन सोच रही थी कि वो क्या चुने, तभी अचानक अलादीन आया। ये बाजार उसे घर जैसा लगने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हैं। एक किस, कुछ जादू और वो बहुत जल्दी माता पिता बनने वाले हैं। चलो कैन को जीनी में बदलें, बालों को हटाएं। घबराओ मत, जीनी सच में गंजे हो गए। सिर और शरीर को ब्लू एक्रिलिक पेंट से ढकें। हमारे ब्यूटी सैलों के पास एक नई सर्विस है, जीनीस के लिए आईब्रोज करेक्शन। हम जीनीस के लिए काफी सारे जीनी सेंट्रिक ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी ऑफर करते हैं। परमानेंट लिप मेकअप, दांतों को साफ करना और बीएड एक्सटेंशंस भी। हमारी जीनीस बार्बर की दुकान हेयर स्टाइलिंग भी प्रोवाइड करती है। हम सेटन धागे से सुंदर पोनीटेल बना सकते हैं और इसे गोल्ड हेयर बैंड से सजा सकते हैं। ये लुक इस मौसम में बहुत चलती है। हमें बस बियर्ड को कुछ स्टाइल और लेंथ देने की जरूरत है। टेल के लिए दो टुकड़े काटें, साथ में सिलें, एक लाल बेल्ट लगाएं। जादुई धुंध गायब हो गई और टेल स्टफिंग से भर गई। हमें बस टेल को शरीर के साथ जोड़ना है। उसने एक गोल्डन चेन भी पहनी हुई है। बेल्ट पर कुछ चेन लगाएं। जिनी काफी अरसों से लैम्प के अंदर बंद था। मैं इम्प्रेसिव दिखता हूँ, है ना? और मैं अलग अलग स्टाइल्स ट्राई कर सकता हूँ। मैं अपनी पूछ को हेयर इम्प्लांट्स पहनी हुई ह्यूमन लेग्स में भी बदल सकता हूँ। ओह, मैं जरूरी बात भूल गया था, कोई भी मोटल मेरी तरह ट्रेवल नहीं कर सकता। मैं अपनी उंगलियों से चुटकी बजाता हूँ और मैं हवाई में हूँ। ये असली जादू है। मुआहाहा! चलो आगे चले। उप्स, एक घना जंगल। मेरा जीपीएस थोड़ा बंद हो गया है। जैस्मिन के पास बहुत जल्द एक सुंदर बेटी आने वाली है। चलो बेबी को घने काले बाल दें। एक सैटन रिबन को स्ट्रिप्स में काटें, किनारों को सील करें और धागों को खोलें। हमने हेयर एक्सटेंशंस बना लिए। एक एक करके इन्हें हॉट ग्लू करें। कुछ हेयर बैंड्स के साथ पोनीटेल बनाएं, फिर किनारों को काटें। ऑरेंज फैब्रिक से एक प्यारा टाइगर ऑनसी बनाएं। डॉल को आउटलाइन करें और दो टुकड़े बनाएं। फैब्रिक को लाइंस के साथ सिलें। फिटिंग बहुत बढ़िया आई है। पाइप क्लीनर से एक पूंछ बनाएं। टाइगर प्रिंट बनाएं।
बैली को सफेद रंगे, पूंछ की भी व्हाइट टैसल है। फ्लेक्सिबल तार से एक हेड बैंड बनाएं और दो कान के टुकड़े और कानों को सिर से जोड़ें। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो राजा जैसी बहादुर बनूंगी। चमकीली फोम पेपर के बैक साइड पर एक फेंस बनाएं। टुकड़े को काट लें। फेंस को फोम पेपर की पट्टी से सुरक्षित करें। राउंड शेप बटन पर चिपकाएं। क्ले पैन को बेस पर रखें। बेबी अंदर आरामदायक रहेगा। बेबी की इच्छा है कि वो रॉयल परिवार में राज करे। अगर बच्चा एक टॉय कैसल के साथ एक गोल्डन प्ले पेन चाहता है तो आप ना कैसे कह सकते हैं? और जीनी के लिए ये कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। बेबी गर्ल अपने नए प्ले पेन की आदी हो गई है। उप्स, किसने खिलौनों में जादुई लैंप को छोड़ा? और जीनी सही वक्त पर आ गया। वो बच्चे को प्यार करता है और उसके साथ पूरा दिन खेलने को तैयार है। चलो उड़े। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम खुद जादुई कारपेट को उड़ा सकती हो। शायद तुम्हें गुलाबी हाथी चाहिए। वो तुम्हें इतनी आसानी से उठा सकता है जैसे केलों के गुच्छे को उठाता है। क्या तुम ओलाफ के जोक सुनना चाहती हो? आगरबा में एक स्नोमैन, क्या तुम सोच सकती हो? बक बक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे टाइगर के साथ पपी खेले तो मुझे बताओ। शायद मेरी प्रिंसेस सूरज से दूर रहना चाहती है और हेड्स के अंडरग्राउंड लेबिरिंथ में चिल करना चाहती है। ये दोनों बहुत मजा कर रहे हैं। एक बेबी सिटर के रूप में जीनी को पार्ट टाइम जॉब मिलनी चाहिए। बेड बनाने के लिए एक मोटे कार्डबोर्ड से दो टुकड़े काटें, फिर उसे चमकीली फोम पेपर पर आउटलाइन करें और टुकड़ों को दोनों साइड से ढकें। हॉट ग्लू लगाएं और फ्रेम को सुरक्षित करें। बच्चे को सेफ रखने के लिए कॉफी स्टिरर से रेल्स बनाएं। उन्हें किनारों पर लगाएं और गोल्ड पेंट से ढकें। एक फोम रबर के टुकड़े को गोल्ड प्रिंट वाले कपड़े से ढकें। मैट्रेस तैयार है। रेल्स पर अलग अलग रंगों के टैसल्स लटकाएं। बेड साइड को मेटेलिक एलिफेंट से सजाएं। हमने चमकीले ड्यूल से फेरी टेल कैनोपी बनाई। मैश फैब्रिक को इस तरह सिलें और कैनोपी को टाइट करें। इसे फ्लफी पोम पोम से भरें। बेबी को अपना नया पालना पसंद है। उसे इसमें सिर्फ प्यारे सपने ही आते हैं। जैस्मिन ने अपनी बेटी को फेरी टेल सुनाने का फैसला किया। तुम सो नहीं पा रही मेरी प्रिंसेस, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। समय बीत गया और मम्मी ने सोते हुए बेबी को पालने में सुला दिया। चलो इस कारपेट को उड़ने के लिए तैयार करें। पर्पल फोम पेपर से दो रेक्टेंगुलर टुकड़े को काटें। फ्रेम बनाने के लिए फ्लोरल तार को बेंड करें। सभी चीजों को हॉट ग्लू करें। फोम पेपर के दूसरे टुकड़े से टॉप वाला हिस्सा बनाएं। गोल्ड रिबन को फोल्ड करें। सुंदर टैसल बनाने के लिए टाई करें। किनारों को इसी से सजाएं। कारपेट के बीच में ऐसा डिजाइन बनाएं। पिछले हिस्से पर भी ये ड्राइंग कॉपी करें। बॉटल को स्टफिंग के साथ स्प्रे डिओडोरेंट से ढकें। कारपेट फ्लफी क्लाउड पर फ्लोट कर रहा है। स्ट्रॉलर हैंडल बनाने के लिए फ्लेक्सिबल तार को बेंड करें। इसे चमकीले फोम पेपर से ढकें। नए स्ट्रॉलर काफी मुलायम और आरामदायक हैं और मम्मी को ज्यादा कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। कारपेट ध्यान से बेबी को बादलों पर मजे करवाएंगे। नर्सरी के लिए शेल्फ्स बनाएं। होलोग्राफिक स्टार्स वाले टीन फेल पर कासल की आउटलाइन बनाएं। चमकीली फोम पेपर से रेक्टेंगुलर टुकड़ों को काटें। बहुत सारे स्पार्कली टुकड़े बनाएं। इनसे टावर डॉम्स बनाएं। हमें सिर्फ तीन चाहिए।
अटैचमेंट पॉइंट्स को सिल्वर फोम पेपर से ढकें, काफी सारी शेल्फ्स काटें। ऐसा लग रहा है जगह काफी है। एक शेल्फ को राइनस्टोन स्ट्रिप से सजाएं, दूसरे वाले को फुटप्रिंट से सजाएं। पूरी शेल्फ्स खिलौने से भरी है। जब खेलने को काफी सारे खिलौने होंगे तो बेबी कभी बोर नहीं होगी। मम्मी और बेबी को साथ में खेलना पसंद है। वो सॉफ्ट बॉल के साथ खेल सकते हैं, और अगर बेबी खिलौनों तक नहीं पहुंच पाई तो जैस्मिन उसे लेकर आएगी। एक नीला हिप्पो और एक गुलाबी बिल्ली छोटी प्रिंसेस के मनपसंद खिलौने हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, लालीलू को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं, ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें।